में जानेंगे हम किस तरीके से और भी ज्यादा ही जो ऑसम से जो कलरिंग इफेक्ट्स है हम जो किस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेडियंट कलर है ना वो कितने ऑसम तरीके से यहाँ पे बिखेरा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जैसे ही मैं बटन्स पे होवर कर रहा हूँ आप देखो वो साइड वाले बटन्स के अकॉर्डिंग अपने आप में वैसे ही वर्क कर रहा है। आप जैसे दूसरे वाले पे करूंगा वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को ले रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे ही मैंने जो प्रेफरेंस जो है ना ज़्यादा रीयूजेबल कोड को दिया हुआ है ताकि जो हमारे कोड की लेंथ है वो इंक्रीज ना हो और हमारा जो काम है वो भी इजी वे में हो जाए। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे इमेज पे होवर कर रहा हूँ ना ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है यानी रोटेट, आप देख सकते हो। मैंने बोला कि जब मैं होवर करूँ यानी कि कर्सर लेके आऊँ तो ये वाई एक्सिस में होना चाहिए यानी टॉप की तरफ मूव करें। उसी के बाद मैंने यहाँ पे लाइव लोकेशन दी हुई है, नेविगेशन बार के थोड़े से सेक्शंस बनाए हुए हैं और नीचे सोशल मीडिया आइकन्स के जो हैंडल्स हैं वो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस की तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो किस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना यहाँ पे इस मुद्दे के साथ आ रहा है और जा रहा है। और ध्यान से देखिए नेविगेशन बार को कि जो पीछे का जो टेक्स्ट है ना वो ध्यान से देखिए आप ब्लर दिखेगा आपको। यहाँ पे हम ये भी इफेक्ट भी जानेंगे जो ग्लास मॉर्फिम्स ग्लास इफेक्ट जो होता है उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे का जो कंटेंट है वो किस तरीके से नजर आ रहा है और जो हमारा टेक्स्ट है जो इमेजेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए पूरे सब प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है। और वहीं पे अगर मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँ अब देखिए नहीं ऊपर से स्टार्ट करता है, अब मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ अब दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारी जो कंटेंट है वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को समेट रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ फटाफट से हम इसको अब किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसे इंस्पेक्ट से हटा के रिस्पॉन्सिवनेस से हटा के नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। और जो मैंने आइकन्स वगैरह हैं वो और हमेशा की तरह मैंने फिर से बूटस्ट्रैप से ही लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। और मैं इस पर क्लिक किया, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और उसके बाद मैं सबसे पहले नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे लाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है इसको, ठीक है नीचे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीगन करके एक लिंक है, आपको इसे कॉपी करके आपको अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आना है और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देना, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने और इसे साइड बाय साइड पहले ओपन कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ ला रहा, अब मैं इसे ऊपर करता हूँ, सबसे ऊपर आता हूँ। अब शुरू करते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हमने किस तरीके से इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई बनाया हुआ, आप देख सकते हो। जितने भी जो कंटेंट है ना मैंने उसको ना ऐसे बिखेरा हुआ नहीं है, मैंने सबको समेटा हुआ है, आप देख सकते हो। अब मुझे आसानी से पता चल सकता है कि मैं कौन से सेक्शन पे हूँ और कहाँ पे हूँ। मैंने यहाँ पे भी यही सेक्शन इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर सेक्शन पे आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने ना यहाँ पे हेडर लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक और डिव लिया हुआ है कंटेनर नाम से और इसके अंदर मैंने दो डिव लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। एक तो पहले हैमबर्गर जिसकी जो डिस्प्ले है ना मैंने नन कर दी कि मैंने बोला जब इसकी स्क्रीन छोटी होगी तब दिखाई दे, तो मैं दिखाऊंगा आपको इसका कोड मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आप यूएल दे सकते हो मेरा और उसके बाद जो इनपुट है और जो उसके अंदर मैंने बीकन लिया हुआ है आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, और ये जो है हमारा मिडल कंटेंट यानी होम वाला कंटेंट है जो हमें सेंटर में दिखाई दे रहा था, आप दे सकते हो। मैंने मार्जिन पैगिंग बॉक्स साइजिंग फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी सेट कर दी है और मैंने बोला जो भी मैं लिंक यूज करूंगा ना, ठीक है यानी एंकर टैग उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना पहले ही कर देना, ये हमारे सूडो क्लासेस हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो सी एस एस ऑल वीडियोज इन शॉर्ट्स यानी कि जितने भी सी एस एस हैं मैंने उसकी ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दी है और वहाँ पे कोई लेंथी वीडियोज नहीं है, वो सारे के सारे शॉर्ट्स में है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और उसके बाद मैंने बोला जो भी मैं आइकन्स यानी कि जो भी बूटस्ट्रैप से जो भी आइकन्स लाऊंगा आप देख सकते हो यानी कि आई उस पर ये कलर सेट हो जाओ वाइट सब वाइट स्मोक। ठीक है, उसके बॉडी पे ये कलर हो जाए। अब आती है नैव बार की बारी यानी कि जो नैव बार है ये वाला आप देख सकते हो, उस पर बोला मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स जस्ट बैक कंटेंट स्पेस बिटवीन और जो फ्लैक्स बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है
आपको इसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्सटाइल लाइन सेंटर और लाइन आइटम्स सेंटर। उसी तरीके से फिर मैंने यूएल पे बोला कि जो इसके अंदर डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स कर दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और जो यूएल के अंदर जितने भी एल आई है आपको पता होगा कि वहाँ पे डॉट डॉट बन के आता है क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट होता है। उसके बाद लिस्ट स्टाइल नन पैगिंग मार्जिन, जब मैंने यहाँ पे पैगिंग 1 पिक्सल लिखा है ना, इसका मतलब है ईच साइड, यानी जितने की 4 डायरेक्शन है वहाँ पे 4 डायरेक्शन से 1 1 पिक्सल की पैगिंग मार्जिन आ जाए, मार्जिन बाहर के साइड से और जो पैगिंग है वो कंटेंट के अंदर के साइड से, ठीक है। और जो कर्सर पॉइंटर यानी कि हैंड बन के आना चाहिए, और जो ट्रांजिशन हो ना यानी कि जब मैं उस पर लेके जाऊँ कर्सर तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस के साथ हो, ट्रांजिशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने बोला जब मैं यूएल के एल आई पे होवर करूँ तब उसका जो कलर है ये हो जाए और बैकग्राउंड कलर ये और कलर ये। अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने बोला मैंने क्या बोला, यानी कि जब मैं इस पर होवर करूँ तब इसका कलर वाइट और जो बैकग्राउंड कलर है वो आरजीबी वाली जो वैल्यू है वो हो जाए, आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं उसके बाद यहाँ पे आता हूँ अगले पे और बोलता है इनपुट टाइप सर्च। यह हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं जिसमें मैंने इनपुट लिया और टाइप बोला, जिसकी टाइप सर्च होगी सिर्फ उसी पे ही ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आउटलाइन नन मैंने बॉर्डर बॉटम दिया और टॉप राइट लेफ्ट से नन कर दिया और टाइगिंग दे दी 1 पिक्सल की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्लास बीकेन है ना, और इसी क्लास बीकेन को मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, इसमें भी यूज़ किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक और एलईडी बीकन ऐड कर दी ताकि मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि बीटीएन और डॉट बीटीएन, आईडी बीटीएन और डॉट दोनों पे ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाए, पहले आउटलाइन बॉर्डर मार्जिन बैकग्राउंड बॉर्डर कलर बॉर्डर एरियाज कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद बोला कि जो आईडी बीटीएन है ना उसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसे ट्रांसपेरेंट कर देना। उसी तरीके से मैंने बोला फिर जब होवर करूँ तब ये हो जाए इफेक्ट, यानी बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट हो जाए और बॉर्डर ये हो जाए। उसके बाद जब बीकन जो आईडी वाली है यानी जो बीकन आईडी है उस पर जब होवर करूँ उसका ये कलर हो जाए और बैकग्राउंड कलर ये और बॉर्डर ये, यानी कि आप देख सकते हो इस तरीके से पहला ट्रांसपेरेंट है, जब मैं होवर करूँगा तब वो जो सामने वाला जो बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग कलर ले ले अपने आप में, आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो कंटेंट है यानी मिनी होम वाला, उस पर मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर अलाइन आइटम सेंटर और हाइट विड्थ मार्जिन दे दिया। उसके तरीके से फिर मार्जिन जो फॉन्ट साइज है वो पी पैराग्राफ में दे दिया, फिर H2 में दे दिया। REM जो होता है ना हमेशा ब्राउजर के डिफॉल्ट वैल्यू को फॉलो करता है, और जो EM है वो हमेशा पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू को फॉलो करता है। अगर वहाँ पे 1 EM दोगे आप तो इसका मतलब है कि अगर आपने पेरेंट एलिमेंट में 10 पिक्सल दिया है तो 1 EM इज इक्वल टू 10 पिक्सल, ठीक है। अगर 2 दोगे तो वहाँ 20 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटेनर है ना ये वाला, इसे पोजिशन रिलेटिव लिखा और बोला बिफोर यानी कि सूडो क्लासेस, ठीक है। कंटेंट ब्लैंक बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। हम आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बोला बैकग्राउंड ये होना चाहिए, हाँ। अब दिखा देखिए मैंने यहाँ पे ना लीनियर ग्रेडियंट लिखा, बोला -22 डिग्री से होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पहला कलर RGB ये, उसके बाद ब्लैक कलर ये, और बोला ये 100% होना चाहिए। उसके बाद URL आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज का पाथ दिया, नो रिपीट सेंटर सेंटर कवर, यानी कि जो पोजिशन इमेज की जो रिपीटेशन है यानी बैकग्राउंड रिपीट वो मैंने नो रिपीट डाला हुआ, बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर दी हुई, जो बैकग्राउंड साइज जो है वो मैंने यहाँ पे कवर दिया हुआ है ताकि जो है सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से रहें। उसके बाद पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट लेफ्ट 0 हाइट विड्थ और जे इंडेक्स, जे इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन से कंटेंट को आप टॉप पे देखना चाहते हो और कौन से को बैकवर्ड यानी पीछे। अब आती है हमारी हैमबर्गर यानी कि आइकन्स वाली लाइन की, इस पर मैंने हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर मार्जिन ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद बोला कि इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर दो यानी कि दिखाई ना दे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड वाले सेक्शन पे, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम आते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे,
आप देख सकते हो इवेंट्स, फिर उसके बाद अपकमिंग, जिसके अंदर मैंने एक ट्रैवलर्स नाम से मैंने एक क्लास ली हुई है और उसके अंदर दो दो क्लासेस ली हुई है, यानी कि ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो अपकमिंग इवेंट्स यानी कि हो अपकमिंग के अंदर जो H1 है, यानी डायरेक्ट जो H1 है इनकी बात हो रही है। ये भी हमारे एग्रीब्यूट सिलेक्टर्स के अंदर आते हैं, जो एडजेसेंट, बहुत सारे चार तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला जो उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए वो ये, बॉर्डर बॉटम, विड्थ, मार्जिन, ऑटो दी, और जो हमेशा जो मार्जिन है वो विड्थ और डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी के साथ वर्क करती है। उसके बाद जो यहाँ पे ट्रैवलर्स है ना, मैंने उस पर बोला डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन आइटम्स, सेंटर चाहिए भाई मुझे सब। उसके बाद मैंने फर्स्ट सेट लिया यानी ये वाला, तो मैंने इस पर बोला कि मार्जिन 4 REM टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट से 2 REM और पैगन 1 REM फ्रॉम ईच साइड, यानी जो हमारा फर्स्ट सेट है। उसके बाद मैंने बोला ट्रैवलर्स के अंदर जितने भी IMG है यानी ये दोनों इमेज, उसकी हाइट विड्थ ये कर दो। ठीक है, अब आता है हमारा जो है अगला सेक्शन, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बीकन यूज़ किया हुआ है, मगर वही क्लासेस को मैंने उठा के रिपीट कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े और ना ही लेंथ बढ़े। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे एक्सप्लोर वर्ल्ड अपकमिंग, और यहाँ पे मैंने वही क्लासेस यानी बीकन्स वाली रिपीट की हुई है। तो मैंने बोला जो वर्ल्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी पैगन टॉप बॉटम से 1 REM और राइट लेफ्ट से 4 REM। उसके बाद जो एक्सप्लोर है उसकी टेक्सचर लाइन सेंटर पोजिशन रिलेटिव, और फिर से मैंने वही चीज़ की एक्सप्लोर पे मैंने बिफोर क्लासेस ऐड करी और वही चीज़ को मैंने यहाँ से ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पे डिग्री चेंज कर दी और बाकी सारी चीज़ें सब सेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला जो फोर्थ सेक्शन है हमारा, मैं इसे यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फोर्थ सेक्शन में गया और बोला कि जो लेटेस्ट करके यहाँ पे जो टूल्स, फिर कंटेंट, मैं एक मिनट इसे सही से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो कंटेंट के अंदर मैंने क्लास बीकन और IG बीकन वाले जो बटन्स थे उसको उठाया, फिर मैंने टूल्स को लिया, उसके अंदर दो इमेज सेट डिव लिए। ठीक है, अब देख सकते हो, अब मैंने बोला जो लेटेस्ट के अंदर जो मार्जिन है टॉप दे दो 2 REM, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और उसके बाद जो पैगिंग है वो टॉप टू बॉटम 1 REM और राइट लेफ्ट 2 REM, और उसके बाद जो लेटेस्ट के अंदर जो H1 है आप देख सकते हो मैंने उसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, बॉर्डर बॉटम और फॉर्म साइज दी हुई है। उसके बाद मैंने बोला जो पैराग्राफ में यानी कि ये वाला जो कंटेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने बोला जो इमेज है यानी ये वाला, इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। उसके बाद बोला जो इमेज के अंदर जो IMG है उसकी हाइट, विड्थ, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन बॉक्स सेट हो ये कर दो। और उसके बाद बोला जब मैं इमेज पे जब होवर करूँ ना वो Y एक्सिस यानी कि -12 एक्सिस से ट्रांसलेट हो जाए यानी कि मूव करे। ठीक है, यानी कि ये वाला देखिए आप, जैसे ही मैं इसे ऊपर करता हूँ, पहले तो ये वाला हो गया, अब ये वाला बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ ये टॉप की तरफ मूव करे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आता हूँ, अब आती है हमारे फुटर सेक्शन की बारी, इसे बंद करता हूँ। मैं फुटर सेक्शन में बोलता हूँ कि पहले देखिए यहाँ पे मैंने फुटर एट्रीब्यूट, फिर फुटर क्लास, इसके अंदर पहला टिप और दूसरा ये रहा, तीसरा का ये रहा, उसके बाद चौथा ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले वाले में तो बोला यहाँ पे एनुअल विजिटर्स की वगैरह के बारे में, फिर लिंक्स और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिप लिया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लाइव लोकेशन के लिए जो मैप है उसको उठाया हुआ। मैं बताऊँगा अभी आपको कि जो मैंने किस तरीके से लिया। ठीक है, तो अब उससे पहले बता देता हूँ यहाँ पे ये आप देख सकते हो मैंने फुटर के अंदर वही चीज़ रिपीट की हुई है, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, पैगिंग 1 REM फ्रॉम ईच साइड, जो OL के अंदर जो LI है,
स्टाइल पैगिंग टॉप, कर्सर पॉइंटर पैगिंग राइट, फर्स्ट डिव के अंदर जो आई है आप देख सकते हो, उसके बाद जो फर्स्ट डिव के अंदर जो H1 है, और उसके बाद जो फर्स्ट डिव के अंदर जो P है आप देख सकते हो। सब चीज़ों वही चीज़ें को मैंने बार बार रिपीट की हुई है जो मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है आपको इस वीडियो के अंदर। फिर मैंने फर्स्ट डिव के अंदर बोला डिस्प्ले फ्लैक्स पैकिंग बॉर्डर टॉप, फिर फर्स्ट डिव मिनी, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिव मिनी है ये रहा आप देख सकते हो। और फुटर के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक दिया मैंने, ठीक है। और जो सोशल मीडिया के अंदर जो URL है, ठीक है, यानी कि नीचे आके यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, यानी कि आपने देखा होगा यहाँ पे जो है हमारे सोशल मीडिया आइकन है सारे सेंटर्स में, सेंटर में। तो मैंने वह जब होवर करूँ तो ऐसा बैकग्राउंड कलर ये और जो बॉर्डर है वो ये हो जाए, ठीक है। अब आती है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस की बारी, तो हम चलते हैं अपने इस वाले ब्राउज़र पे और आते हैं और मैं दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि जब इसकी जो स्क्रीन है, अब दिखाता हूँ एक, आप यहाँ पे देखना ये भी कितनी स्क्रीन है, ठीक है। जैसे छोटे कलर आप देखो, मैंने बोला जैसे ही 1205 के ऊपर जाए नीचे जाए तब हो जाए, ठीक है, यानी 1205 के अंडर हो तब तब मैंने बोला यहाँ पे। अब देखना, अब मैंने बोला इसे ही बताता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। तो मैंने बोला जो हैम्बर की जो डिस्प्ले ब्लॉक डन करके है मैंने पहले, उसे तुम क्या कर दो ब्लॉक, यानी कि वो दिखने लगे। और फिर मैंने बोला जो यूएल और जो सर्च है उसकी डिस्प्ले क्या कर दो ब्लॉक, ठीक है, यानी कॉर्नर में रहो। फिर मैंने यहाँ पे बोला, आप देखिए यहाँ पे मैंने बोला जो नैव बार है ना ये, इसकी बात कर रहा हूँ, तो बोला कि उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट पूरे विंडो के स्क्रीन के अकॉर्डिंग टॉप से 95 पिक्सल, लेफ्ट से 0, मार्जिन ऑटो, ठीक है। उसके बाद जो विड्थ है वो 0%, यानी कि मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे इसकी 5 एंग, जैसे कि मैं इसकी 450, जैसे कि अब मैं यहाँ से इसे हटा के 450 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि कर दिया मैंने, अब मैं दिखाता हूँ, अब देखना यहाँ पे मुझे प्रेजेंट करेगा ये पहले से ही, ठीक है, देख रहे हो ये शो कर रहा है अभी भी, यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, कुछ खास असर नहीं हो रहा, नहीं हट हट नहीं रहे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हटे, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे 0 डाल रखा, और जब बोला कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो एक क्लास एड हो जाए, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इसे 0 डालना था, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, अब देखना वहां से वो जो हमारा साइड बार है हट जाएगा, अब हट गया। अब मैं दिखाता हूँ आगे, तो उसके बाद मैंने बोला जो ड्रॉप डाउन शो, यानी कि जो हमारा ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जब मैं हैमबर्गर यानी कि नीचे दिखाता हूँ, मैंने बोला कि जब भी मैं हैमबर्गर यानी कि उस 3 लाइन पे क्लिक करूँ तब क्या हो जाए, एक क्लास ऐड हो जाए, यानी कि वेयर हैमबर्गर, मैंने पहले क्लास को उठाया, फिर मैंने ड्रॉप डाउन यानी कि जो नैव बार के अंदर जो यूएल था उसको उठाया, और बोला कि जब मैं हैमबर्गर पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शन रन हो जाए, यानी कि ड्रॉप डाउन पे एक क्लास लिस्ट ऐड हो जाए जो टॉगल है, यानी टॉगल एक फंक्शन है जिससे मैंने बोला क्लास ऐड हो जाए शो नाम से, यानी टॉगल का मतलब होता है कि जब मैं क्लिक करूँ दिखे, जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ वो ना दिखे, ठीक है, दिखे फिर ना दिखे, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे मैंने बोला जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब उसकी जो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन की ना विड्थ मैंने क्या कर दी थी पहले 0, ठीक है। मैंने बोला जब मैं शो पे क्लिक करूंगा यानी कि जब मैं बर्गर पे क्लिक करूंगा तो उस पर शो नाम की क्लास ऐड हो जाए, और उस शो में मैंने ना उसकी जो विड्थ है ना 42% दी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा ना तो यहाँ पे ना वो शो नहीं करेगा, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज नहीं होगी, जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। अब देखना मैंने यहाँ पे 0 डाल देता हूँ यहाँ पे भी, और कंट्रोल ऐसे सेव करके अब दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना कुछ असर नहीं होगा, देख लो नहीं हो रहा, और वहीं पे अगर मैंने इसकी जो विड्थ है बढ़ा दी, ओ एक मिनट कंट्रोल,
और कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे सेव करके अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखना यहाँ पे इसकी जो विड्थ है बढ़ गई, फिर से क्लिक किया हट गया, बढ़ा गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। और मैंने बोला कि ना, जब ये जो बैकग्राउंड कलर ना ड्रॉप डाउन का, उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट हुई आप दे सकते हो यहाँ पे, मैंने यहाँ बोला तो जो ओवरफ्लो जब होगा हिडन कर देना, और ट्रांजिशन ऑल यानी 1s, और जो बैकग्राउंड कलर है आप जो दे सकते हो वो ये है। और मैंने वहाँ पे ना एक चीज़ यूज़ की हुई है, यानी कि जब शो होगा ना तब मैंने बोला बैक ड्रॉप फिल्टर, जिसके कारण वहाँ पे ब्लरनेस नज़र आ रही थी। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ, ठीक है, अब दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देख रहे हो यहाँ पे पीछे ब्लरनेस सी आ रही है, और वहीं पे अगर मैं ऐसे Ctrl+S कमेंट आउट करके अब दिखाऊं तो आप देखना यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ब्लरनेस हट गई, देख रहे हो आप। अब मैं यहीं पे ब्लरनेस लाना चाहता हूँ, इसे सेव करता हूँ, अब देखना ब्लरनेस आ जाएगी, देखो आ गई ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, और मैंने बोला कि टॉप राइट से 1 पिक्सल और टॉप बॉटम राइट से, यानी कि बॉटम राइट साइड रेडियस जो होनी चाहिए 50 पिक्सल होनी चाहिए, और बॉक्स शैडो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो हमारा जो मिनी होम है, यानी कि ये जो कंटेंट ये वाला है, उसकी जो विड्थ है वो ऑटो सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद मिनी होम के जो H1 है उसकी जो फॉन्ट साइज है वो 2 आ रही है। और फिर उसके बाद बोला जो ट्रैवलर्स है लेटेस्ट है फुटर, और जो इमेज है उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना कॉलम कर दो। जैसे कि दिखाता हूँ, ये जो 2 इमेजेस हैं इसकी कॉलम कर दो। फिर उसके बाद बोला कि ये जो इमेजेस रो में थी इसको कॉलम में कर दो। फिर उसके बाद जो इमेज के अंदर जो कंटेंट था उसको फुटर को, और यानी कि ये सब कंटेंट जो है इनकी बात हो रही है। फिर जो पैराग्राफ है ट्रैवलर्स के अंदर, यानी कि ये वाला पैराग्राफ आप दे सकते हो, ठीक है, इसकी बात हो रही है। मैंने टॉप बॉटम से 0 और राइट लेफ्ट से 4 आ रही है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट, जैसे मैंने मार्जिन टॉप बोला हुआ है, आप दे सकते हो खाली मुझे 4 REM का ही चाहिए, और फर्स्ट सेट के अंदर टॉप बॉटम से नीचे राइट लेफ्ट से चाहिए। और फिर वही चीज़ मैंने अपकमिंग में फिर से लिखी और बोला कि मुझे फॉन्ट्स जो H1 है सिर्फ उसके अंदर ये चाहिए, यानी अपकमिंग के डायरेक्ट जो H1 है उस पर खाली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो, और जो इमेज के अंदर जो IMG हो उसकी हाइट विड्थ ये हो जाए, और जो फर्स्ट डिव के अंदर जो P है ना उसकी विड्थ क्या हो जाए ऑटो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा औसम सा लग रहा है। आप देखो जितनी स्क्रीन की बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी करके देखिए, यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिव और फुल्ली फंक्शनल है, आप दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखिए स्मूथनेस के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। धन्यवाद।